अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मसूद परवेज और आज का टॉपिक है DDGS, ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन विद सोलवल। लेकिन हम बात करेंगे DGS पे, डिस्टिलरी ग्रेन विद सोलवल। ऐसी प्रोडक्ट जिसके बाद कोई वंडा नहीं चलेगा, कोई वंडा नहीं दिखेगा, ना सब्ज चारे की ज़रूरत होगी, ना पानी की ज़रूरत होगी, यानी इवन पानी की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये प्रोडक्ट कहाँ पाई जाती है, कैसे बनती है, तो इस पे थोड़ी सी डिस्कशन होगी। लेकिन इससे पहले आपको खुशखबरी सुना दूं कि दो कंपनियों ने मेरे से रابطہ किया है और वो पाकिस्तानी दो ऐसे बंदे हैं जो कि यहाँ से जा रहे हैं DDGS लोड करवाने। उनका अफ्रीका का वीज़ा मैंने लगवा दिया है और इंशाल्लाह जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी कि DGS पाकिस्तान पहुँच गया है। DGS जो है ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी प्रोटीन अराउंड 22 है, इसमें 50% वाटर कंटेंट्स हैं, प्रोडक्ट फर्मेंटेड है, यानी आपके जानवर जो हैं सबसे पहले चारे को या जो भी खुराक खाते हैं उसको फर्मेंट करते हैं, और अगर फर्मेंटेशन जल्दी हो जाए तो फिर उसमें से गैसेस पैदा होती हैं, मिथेन गैस पैदा होती है, जिससे अगर ज़्यादा पैदा हो जाए तो अफारा हो जाता है। इसीलिए जब आप रेडी डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उस सूरत में वो जल्दी गैस पैदा होती है, और जैसे आप कहते हैं कि जी इसने गंदम ज़्यादा खा लिया, अक्सर देखा होगा कि बकरा ईद पे अगर जानवर घर आप लेके आते हैं और वो रोटियां ज़्यादा खा लेता है तो उसको अफारा हो जाता है। तो इसमें अफारे का कोई चांस नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी फर्मेंटेड है, इसमें फर्मेंटेशन होनी नहीं है, टोटली फूड बाईपास करेगी क्योंकि फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजरेगी नहीं, ये ऑलरेडी फर्मेंटेड है। अब इसमें मौजूद जितनी चीज़ें हैं वो फर्मेंटेशन के क्योंकि प्रोसेस से नहीं गुजर रही, तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सारा कुछ जो है इसमें वो बाईपास कर जाएगा। अब जब बाईपास करेगा तो टोटली डाइजेस्टिबल हो जाएगा, तो यानी ये फूड ऐसी है जिसमें टोटली डाइजेस्टिबल फूड है। अब इसमें क्योंकि 50% वाटर कंटेंट्स हैं, जानवर आमतौर पर 26 डिग्री टेम्परेचर पर 1 किलो खुराक के बदले 1 लीटर पानी पीता है। अब 50-50 यानी 1 किलो पानी और 1 किलो खुराक, जब 50-50 होगा तो फिर आपके जानवर जो है वो उसको पानी की ज़रूरत नहीं होगी। अब अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर शायद वो थोड़ा सा पानी पी ले, लेकिन इस सूरत में जानवर गर्मियों में भी हांफेगा नहीं क्योंकि पानी की वाफर मिकदार उसमें चली गई होगी। अब हमारे यहाँ अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि खारा पानी और दूसरा पानी ये वो जानवर पीता भी नहीं है, उसके प्रॉब्लम भी आते हैं, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन इसमें जो पानी है वो समझे मिनरल वाटर है, बहुत ही प्योरीफाइड क्योंकि ह्यूमन कंजम्पशन की चीज़ है। तो अब इसका जो बेसिक मटेरियल है वो क्या होगा, वो होगा गंदम, मकई, जौ, चावल। तो आपको खुद पता है कि जब आप चोकर इवन दे दें तो दूध बढ़ता है, इसमें चोकर भी शामिल है। आप गंदम अगर रोटियां लोग खिलाते हैं, रोटियां खिलाएं तो सबको पता है कि दूध बढ़ता है, इसमें गंदम का आटा भी शामिल है। इसमें प्रोटीन 22% है अगर गंदम से बनी हुई है, अगर मकई से बनी हुई है तो 18% है, अगर चावल से बनी हुई है तो 16% है, अगर जौ से बनी हुई है तो 20% है। तो जिसमें 18 से 22% प्रोटीन होगी ऑन द एवरेज तो दूध कैसे नहीं बढ़ेगा, प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा है। फैट कंटेंट 5%, जानवर को जब 5% वाली आप खुराक देते हैं तो उसका दूध डेफिनेटली गाढ़ा होगा। गाय का दूध भी 4.5 से 4.7 तक पहुंच जाएगा फैट कंटेंट्स के हिसाब से, यानी गाय और भैंस के दूध में फर्क नहीं रहेगा। तो ऐसी सूरत में इतनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट अगर आपको मैं ऑफर करूं कि जनाब ये वनडे से सस्ती है, आपको चारा डालने की जरूरत नहीं है, आपको लेबर रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई, आपकी चोरी खत्म हो गई, आपका दूध बढ़ गया, आपके फैटनिंग जानवर का गोश्त बढ़ गया, आपका जानवर हेल्दी हो गया, तो फिर और आपको क्या चाहिए, और वो रेट में भी वनडे से सस्ती, तो डेफिनेटली आप लेंगे। तो अभी आप बस मेरे लिए दुआ करें, पहले कोरोना की वजह से डिले हो गया था लेकिन अब तकरीबन 10 अक्टूबर या 12 अक्टूबर तक दो जो पार्टीज हैं उनको मैं भिजवा रहा हूँ, वहाँ पे पैकिंग मैंने उनको सिखा दी क्योंकि वैक्यूम पैकिंग में आना है, वो सारा कुछ मैं यहीं से ट्रेनिंग दे के भेज रहा हूँ। तो जैसे ही 1 महीने की ट्रांजिट पीरियड है
यानी समुंदर में 1 महीने के बाद ट्रैवल करता हुआ जहाज़ कराची पहुंचता है, लेकिन इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। इंशाल्लाह जल्द ही जैसे ही वो पहुंचेगा, कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई अल्लाह की तरफ से जैसे कोरोना आ गया था, कोई इस तरह की कोई सेकेंड वेव ना आ जाए, ये कुछ और ना हो जाए, अदरवाइज़ हमारी नीयत साफ़ है, वीज़ा लग चुका है, बंदे रेडी हैं और वहाँ पे बात हो चुकी है, वहाँ पे रिहाइश हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है। लगता नहीं है कि कोई दरमियान में हड़ल आएगी, लेकिन हज़रत अली का कौल है कि मैंने अल्लाह ताला को पहचाना अपने इरादों के टूटने से। तो अगर कोई इस तरह का मिसहैप ना हो जाए या अल्लाह के कामों का पता नहीं होता, अदरवाइज़ पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, फिश इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, ये सब के लिए रेमडी है। तो अब मुझे इजाज़त दें, आप इंतज़ार करें, क्योंकि मैंने ये किसी और चैनल पे 1 साल पहले वीडियो अपलोड की थी, तो 2.5 लाख लोगों ने इसको देखा और लोगों ने मेरे से रब्ता किया और अपनी अपनी डिमांड भी लिखवाई। तो इसके लिए हमें डीलर दरकार होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हर एक की ज़रूरत है। सबसे पहले हम कराची के लोगों को देंगे, उसके बाद हम पूरे पाकिस्तान में डीलरशिप बेसिस पे उनको कंटेनर डिलीवर करेंगे। तो जो 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 डीलरशिप लेना चाहे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे हमारे से रब्ता करें। नंबर डिस्प्ले कर दिया गया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। हर ज़िले से मुझे, हर तहसील से, हर टाउन से डीलरशिप चाहिए। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।